हमने इम्पीडेंस ट्राइंगल किया, इम्पीडेंस ट्राइंगल के अंदर हमने टेन फाई का ये फॉर्मूला किया। अब एक चीज़ बताओ, इस ट्राइंगल में और इस टॉपिक के अंदर मैंने पूरे टॉपिक में एज्यूम किया कि VL ग्रेटर देन VC। ऐसा भी तो हो सकता था कि VC ग्रेटर देन VL, तो फिर अगर VC ग्रेटर देन VL तो बोलो टेन फाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये आपके पास VR है, ये VL है और ये VC है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर VC ग्रेटर देन VL तो नेट जो इसका जो वेक्टर सम आएगा वो यहाँ आएगा, कितना आएगा? VC माइनस VL। ये VR है, ये VC माइनस VL है, तो अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा, तो नेट EMF ही आएगी। ये क्या है? VC माइनस VL, तो tan phi की वैल्यू क्या आएगी बोलो? VC माइनस VL बाय VR, या फिर रेजिस्टेंस की फॉर्म में बोलो XC माइनस बाय R। तो ये डिपेंड करेगा कि VL बड़ा है या VC बड़ा है। वैसे नॉर्मली VL बड़ा के साथ ही थ्योरी लिखी गई है तो VL बड़ा है, पर ये जरूरी नहीं है, VC बड़ा भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बस फर्क ये होगा कि डायग्राम ऊपर बनने की बजाय डायग्राम नीचे बन जाएगा। तो इसके अंदर अगर ये करंट है और ये EMF है तो बोलेंगे EMF पीछे करंट से बाय एंगल ऑफ फाइ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? अगर सपोज करो स्पेशल केस, इफ XL ग्रेटर देन XC या XL इक्वल टू XC, अगर बराबर हो जाते हैं, अगर बराबर होते हैं तो फाइ क्या आएगा? जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो Z होता है इम्पिडेंस, वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और अगर XL XC के इक्वल है तो कट जाएगा, तो Z किसके इक्वल आ जाएगा? R के। इसका मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ R ही अपना काम करेगा, XL और XC तो अपने वैल्यू को क्या करता जाएगा? कैंसल। और यानी कि ये सर्किट ओनली रेजिस्टेंस के साथ मैच करेगा, और ओनली रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आर इन सेम फेज, ऑफ फाई ऑटोमेटिकली क्या होता है? जीरो। तो ये स्पेशल केस निकल आया। नेक्स्ट है, अगर और ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? नॉन इंडक्टिव सर्किट। अगर XL बड़ा हुआ है XC से तो tan phi क्या आएगा? पॉजिटिव। तो tan phi पॉजिटिव, और अगर XC बड़ा हुआ है XL से तो tan phi नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या शो कर रहा है? कि डायग्राम अगर XL बड़ा है XC से, डायग्राम ऊपर बनेगा, phi ऊपर बनेगा, और अगर VC बड़ा हुआ VL से या XC बड़ा हुआ XL से तो डायग्राम नीचे बनेगा, phi नीचे बनेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? और अगर ऊपर बनेगा तो इंडक्टेंस का रोल ज्यादा है, तो ऐसे इसको सर्किट को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बड़ी है तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। और रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, XL और XC दो रिएक्टेंस हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इनके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस, ससेप्टेंस। एंड लास्ट रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस Z को क्या बोलते हैं? एडमिटेंस। आपको होगी कुछ ज्यादा ही रेजिस्टेंस और एडमिटेंस इकट्ठी हो गई अब, राइट? तो इसको समझते हैं एक बार, मैंने क्या समझाया, यहां तक क्लियर है? तो इसको समझने के लिए कि हमने किया क्या अभी तक, इसको ऐसे समझते हैं, हमने सबसे पहले क्या किया? ओनली रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस। फिर हमने क्या किया? ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर, एल सी आर। इसके अंदर जो EMF की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, सब में EMF की इक्वेशन को क्या रखा गया? सेम, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन इसमें क्या आई? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इंडक्टर में, अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर EMF की इक्वेशन E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन क्या थी? करंट की इक्वेशन थी I नॉट साइन ऑफ, बोलो क्या? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ठीक हो गया। और कैपेसिटर की इक्वेशन अगर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट की इक्वेशन I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसकी लिखता नहीं हो तो फाई की टर्म में आती है, स्टैंडर्ड नहीं है वो।
ठीक है यहां तक। इसकी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। इसकी रेजिस्टेंस एक्स एल, एल ओमेगा। इसकी रेजिस्टेंस एक्स सी, वन बाय सी ओमेगा। इसकी रेजिस्टेंस जेड, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसकी रेजिस्टेंस का नाम रेजिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऐसी था ना। इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सही। इसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। ठीक हो गया यहां तक, क्लियर है। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज नोन एज ससेप्टेंस, यही किया था, ससेप्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस इज नोन एज एडमिटेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक हमने अभी तक किया, वन बाय जेड को एडमिटेंस बोलते हैं। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक।